वजिया बना रही हैं आज ब्रेन मसाला। स्टार्ट करें? जी बिल्कुल, रेसिपी फटाफट स्टार्ट करें। ये हमने ऑयल डाल दिया पैन, लेकिन वजिया के साथ साथ आज एक बड़ी खास रेसिपी है जो मैंने भी आपको देनी है। ये ऑयल थोड़ा, अच्छा मैं आपको बताती हूँ, असल में ब्रेन मसाले में एक स्मेल सी होती है जो लोग नहीं खाते बहुत से लोग। अच्छा ओके, ठीक है। इसे आप अगर बॉईल कर लें, लेकिन लहसुन और सिरके के साथ। अच्छा ओके, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं, सिर्फ वन मिनट तो डाल के निकाल। उसकी वो जो ग्रीस और उसका जो घी और उसका वो हाफ हो जाता है, वो हाफ हो जाता है। हाँ, मतलब ये कोलेस्ट्रॉल जो आजकल हाई होता है लोगों का बाहर का जंक फूड्स खाने की वजह से, वो भी ये खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी कम हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा मसाला बताएं फटाफट। ठीक है, मसाले इसमें ज्यादा नहीं है, मसाले तो ज्यादा नहीं है, लेकिन छींटे भी कुछ कम नहीं है। पैन नाराज हो गया है क्योंकि उसके अंदर पानी मौजूद था और वजिया ने फटाफट उसमें पानी ऐड ऑन कर दिया। ऐसा हो ना तो इसमें नमक डाल, मैं भी अपने कपड़े में जा रही हूँ। चलिए नमक डाल दे, सही, इसको हम ढक देते हैं। सही, अच्छा हम इसके अंदर डाल रहे हैं प्याज। प्याज जो रेसिपी है फटाफट बता दीजिए। प्याज है और इसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी और इसमें पिसा हुआ घर का गरम मसाला है, घर में मैंने पीसा। ठीक है, ठीक है, और कस्तूरी मेथी है और हरी मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट, बस बस लाल मिर्च वगैरह। अच्छा लाल मिर्च है सब। ठीक है, ठीक है, ये देखें ये हो गया। ठीक है, अब मैंने वजिया से पूछा था मेकअप रूम में कि मुझे आप जल्दी से बताएं कि अगर आप एक ब्रेन मतलब लेकर आते हैं बकरे का या बड़े जानवर का लेंगे, जैसे गाय भैंस का ले लीजिए, तो वो तो बड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अगर आप बकरे का लेकर आते हैं तो बहुत थोड़ा सा होता है, एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होता है और बहुत थोड़ा होता है। तो जब मेरा बहुत दिल कर रहा होता है ब्रेन मसाला खाने को तो मैं इसी अंदाज में बनाती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, मसाले की तरह भूनती हूँ बिल्कुल खड़ा मसाला, और उसके अंदर मैं तोड़ती हूँ अंडे। अगर जैसे गोश्त कोई हड्डी कोई वो जो होता है ना, हमने यखनी के लिए चीप पीसेस रखे होते हैं, वो थोड़ी देर के लिए ज़रूर उसके अंदर पहले फ्राई कर लेती हूँ, तो उससे एक वो जो गोश्त की खुशबू है ना वो आ जाती है, और फिर मैं अंडों के साथ खाती हूँ। अंडे से ये बस सच है कि ब्रेन की क्वांटिटी बढ़ जाती है, क्योंकि अंडा और ब्रेन तकरीबन सेम ही होता है। हाँ बचपन में नहीं पता चलता था ना, अब पता चल जाता है। मैंने वजी आपको पता है मैंने इस पे बहुत मार खाई हुई है, इससे मेरी बड़ी नाराजगी है। मेरे बचपन में अम्मी ने ना ब्रेन मसाला बनाया मेरे चचा के लिए और बड़ा ज्यादा सारा, और गर्मा गर्म रोटी थी, हरा प्याज हरा धनिया ऊपर कटा, क्या खुशबू थी उसकी। लेकिन जब वो चले गए और दो एक दिन के बाद मेरा फिर दिल किया तो मैंने कहा अम्मी वो वाला अंडा बना दे, वो जो सफेद सफेद वाला अंडा आपने बनाया। अब उन्होंने ऑमलेट बना के मेरे आगे रख दिया, हर तरह का अंडा बना के रख दिया, और मैं कहती वो ही वाला अंडा खाऊंगी वो जो आपने चाचू को खिलाया था। फिर मुझे बड़ी मार पड़ी, वो ब्रेन मसाला था ये अंडा है। अच्छा हम लाल मिर्च थोड़ी कम डालेंगे क्योंकि हम इसमें घर का पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे, बाजार का नहीं, तो वो थोड़ा अच्छा, तेज होता है, वो तेज होता है। हाँ ठीक है, ठीक है। हमने इसमें हाफ टी स्पून नमक डाला और हम हाफ टी स्पून हल्दी डाल रहे हैं, बस इसमें ज्यादा मसाले नहीं है। ठीक है, सही, ये तो बड़ी जल्दी बन जाता है, फटाफट बनता है, इसमें कोई मसला नहीं होता ऐसा। ठीक है, ये अब हम डाल रहे हैं इसमें ब्रेन मसाला। ठीक है, ताकि इसको भी बनने में थोड़ा सा 5 मिनट तो लगेंगे ना, और आज कप केक्स भी हैं, और आज कप केक्स भी हैं। अच्छा यार खुदा हाफिज। अच्छा कह रहे मैं नहीं बात कर रहा, कप केक्स तो हैं, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी, जब आप ब्रेन लेकर ये मतलब मगज़ लेकर आएँ घर पर तो उसको खूब अच्छे से साफ कर लिया करें, क्योंकि दो चीज़ें जो है जैसे प्रॉन्स के अंदर की वेन जो ना निकले, और ये ब्रेन के भी जो वेन्स होती हैं वो ना खुली हुई हों, वो ना रिमूव हुई हों, तो खाने से आपकी तबीयत बिगड़ भी सकती है, तो इसलिए जरूर साफ करें। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में, 30 दिन 6 टीम्स 12 कंटेस्टेंट्स और कैश का पार। अब गेम वो होगा जिसे आपका नेम जिसने जो करना था कर लिया, लाखों आवाम को देने का जिम्मा हमने हिस्सा, शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान, रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान, नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा, रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।